नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। नैनीताल के फुटबॉल ग्राउंड में पिछले 76 सालों से हो रहे इंडिपेंडेंट डे चिल्ड्रन फुटबॉल टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन बीत गया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत आजादी के साल यानी 1947 में हुई थी और 15 अगस्त के दिन पहला फाइनल मैच हुआ था। तब से लेकर आज तक हर साल इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है जिसमें जिले के अनेक स्कूल भाग लेते हैं। टूर्नामेंट में नैनीताल जिले के कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस टूर्नामेंट में लगातार रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं जिसमें बच्चे पूरे उत्साह के साथ गेम खेल रहे हैं। वहीं आज तीसरे दिन क्वार्टर फाइनल के मैच खेले गए जिसमें तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सेंट जोसेफ स्कूल और बिरला स्कूल के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच के आधा बीत जाने तक 0 के मुकाबले 1 गोल से सेंट जोसेफ स्कूल ने बढ़त बनाकर रखी। इसके बाद मैच के अंत में 2-0 से स्कोर के साथ सेंट जोसेफ स्कूल ने जीत दर्ज की। बिरला स्कूल ने कोशिश तो पूरी की लेकिन सेंट जोसेफ को हरा नहीं पाई और उसे हार का सामना करना पड़ा। मैच में सेंट जोसेफ स्कूल की ओर से गौरांश बोरा और सहज शाह ने एक एक गोल किए जिसकी बदौलत उनकी टीम जीत दर्ज कर पाई। वहीं इस मैच के रेफरी अमित कुमार, सुनील पटवाल और अपूर्व रहे। कल भी इस टूर्नामेंट के तहत मैचेस खेले जाएंगे और फिर 15 अगस्त को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। तब तक के लिए इस टूर्नामेंट की सभी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ये खबर तैयार की थी नैनीताल से हमारे संवाददाता अरुण कुमार शाह ने। ऐसी खास खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।